भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष के साथ हुई लूट। आपको बताते चले कि उन्नाव जिले के हसनगंज कोतवाली क्षेत्र मौलाबाकीपुर निवासी मोहित चौहान पुत्र योगेंद्र चौहान भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अपने दो दोस्त शिवेंद्र मिश्रा आकाश सिंह के साथ एक ही बाइक पर हसनगंज से देर शाम 5 बजे वापस घर जा रहे थे। तभी मुंशीगंज रसूलाबाद रोड पर भरहा गांव व भाग्य ट्रेडर्स पास के मौलाबाकीपुर निवासी शशिकांत लक्ष्मीकांत रविकांत पुत्र गढ़ शिव कुमार सुकेश पुत्र अनिरुद्ध ने मंडल अध्यक्ष की बाइक रुकवाकर गाली गलौज करने लगे, जिस पर मोहित चौहान ने मना किया तो चारों आरोपी मारपीट करने लगे। गले में पहने हुए 1 तोला सोने की चैन छीनकर भाग निकले। पीड़ित युवक ने कोतवाली में मारपीट सहित लूट की तहरीर दी, जिस पर कोतवाली पुलिस ने मारपीट सहित लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी एमपी सिंह ने बताया कि पीड़ित युवक की तहरीर पर 4 लोगों पर मारपीट सहित लूट का मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। हसनगंज उन्नाव से हमारे संवाददाता सूरज की रिपोर्ट। कल उसके पास थे, हम दवा लेने गए थे, वहीं पे प्रधान मिले, वहीं पे मेरे गांव के लड़का था, उसके साथ उन्होंने गाली गलौज की। मैं वहां पे खड़ा देख रहा था सब। उसके बाद हम घर वापस आ रहे थे, अपने दवा मैंने दवा ले ली कोविन मेडिकल स्टोर पे, फिर मैं घर वापस आने लगा। रास्ते में लोग 50-60 लोग की संख्या थे, मुझसे कोई बात नहीं, मेरी गाड़ी एकदम से रोक के और बुरी तरीके से मारने लगे, मैं बेसुध हो गया। मैं था, मेरा दोस्त मेरा भाई आकाश था, ये दोस्त शिवम था, तीनों लोगों को इतनी बुरी तरीके से मारने लगे। वापस आ रहे मलकादिम सराय से वापस आ रहे दरोगा कासिम ने हम लोगों को हमारी जान बचाई, वही हमें बेसुध अवस्था में उठा के थाने लाए। और मारा किसने था? शशिकांत सिंह हमारे गांव के हैं, प्रधान के देवर हैं, प्रधान के पति थे, प्रधान के दोनों देवर शशिकांत सिंह रविकांत सिंह पन्नालाल और उनका एक साथी सुकेश, और कथा कथित लोगों की बहुत लोगों की संख्या थी, 60-70 लोग थे इसमें। इसके लिए कहीं शिकायती पत्र दिया? जी, थाने में मैंने एक पत्र दिया है, कार्रवाई लेकिन कोई नहीं हुई। मेरी रिपोर्ट तो लिख ली गई, लेकिन वो लोग फिर मेरे घर पे कल रात को पुनः 8:30-9 बजे के बीच 8-10 महिलाओं सहित हमारे घर पे गाली गलौज करने आए, गाली गलौज करी और हमें लड़ने के लिए मतलब वो किया कि हमसे लड़े आके हम लोग लड़ाई करें, लेकिन हम लोग चुपचाप घर में अपने अंदर हो गए मारपीट के रहते, क्योंकि वो हमें मारने के फिराक में ही आए थे। और मैंने पुलिस को फिर सूचना दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सन से गुहार लगाता हूँ कि मेरे जाल माल की रक्षा की जाए, अगर मुझे कुछ होता है तो जिम्मेदार वो स्वयं होंगे।